नमस्कार दोस्तों, D5 चैनल हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का मैं धर्मेंद्र संधू स्वागत करता हूं। प्रकृति ने धरती के गर्भ में ना जाने कितने अनमोल उपहार संजो कर रखे हैं। कई उपहार तो धरती से फूटने वाले जलाशयों के माध्यम से हमें प्राप्त होते हैं। आज हम आपको भारत के उन स्थानों की जानकारी देंगे जिन जगह पर मौजूद औषधीय युक्त गर्म कुंड में स्नान करने से कई तरह के रोगों से मुक्ति मिलती है। कई कुंडों ने अब धार्मिक स्थान के रूप में भी अपनी पहचान बना ली है, जहां सारा साल ही भक्तों का तांता लगा रहता है। झारखंड एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर सबसे अधिक 60 गर्म जल कुंड हैं। धार्मिक आस्था का प्रतीक है पावन मणिकर्ण। हिमाचल प्रदेश में कुल्लू से 45 किलोमीटर दूर स्थित मणिकर्ण का यह स्थान हिंदू व सिखों के लिए बेहद पावन स्थल के तौर पर विख्यात है। यह जगह खास तौर पर गर्म पानी के चश्मों के लिए जानी जाती है। इस गर्म पानी में अधिक मात्रा में सल्फर, यूरेनियम व अन्य रेडियो एक्टिव तत्व पाए जाते हैं, जिसके कारण इसमें स्नान करने से कई तरह के रोगों से मुक्ति मिलती है। इस पानी का तापमान बहुत अधिक है। इस स्थान पर हिंदुओं व सिखों की कई धार्मिक आस्थाएं जुड़ी हुई हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार माता पार्वती के कान की बाली यानी मणि यहाँ पानी में गिर गई। मणि को ढूंढने की सभी कोशिशें बेकार चली गई। आखिरकार पता चला कि माता पार्वती की वह मणि पाताल लोक में शेषनाग के पास पहुंच गई है। जब शेषनाग को इसकी जानकारी हुई तो उसने पाताल लोक से ही जोरदार फुंकार मारी और धरती के भीतर से गर्म जल फूट पड़ा। गर्म जल के साथ ही मणि भी बाहर निकल आई। इस क्षेत्र में जगह जगह पर गर्म जल के स्रोत हैं, जहां पर एक प्रसिद्ध राम मंदिर है। इस मंदिर में भगवान श्री राम की एक प्रतिमा को अयोध्या से लाकर प्राण प्रतिष्ठित किया गया था। यहां की वैली को पार्वती वैली भी कहा जाता है। वहीं दूसरी तरफ गुरु नानक देव जी अपने साथी बाला और मर्दाना के साथ यहाँ आए थे। यहाँ पर गुरुद्वारा उन्हीं की याद में बना है। यहाँ आने वाले लोगों को गर्म पानी के चश्मों से पानी लेकर दाल चावल बनाते देखा जा सकता है। पावन राजगीर का जलकुंड। पटना के समीप राजगीर स्थान को भारत के सबसे पावन स्थलों में से एक माना गया है। राजगीर स्थान एक जमाने में मगध साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। इस स्थान को देवनगरी भी कहा जाता है। इस कारण राजगीर सभी धर्मों की संगम स्थली मानी जाती है। कहा जाता है कि भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्र राजा बसु ने राजगीर के ब्रह्मकुंड परिसर में एक यज्ञ का आयोजन करवाया था। इस दौरान सभी देवी देवताओं को एक ही कुंड में स्नान करने में परेशानी होने लगी। तभी ब्रह्मा जी ने यहाँ पर 22 कुंड और 52 जल धाराओं का निर्माण करवाया था। व्यभारगिरी पर्वत की सीढ़ियों पर मंदिरों के बीच गर्म जल के कई झरने हैं, जहाँ पर सप्तकर्णी गुफाओं से जल आता है। इसी पर्वत पर स्थित भेलवा डोब तालाब है, जिससे भी जल पर्वत से होते हुए यहाँ पहुँचता है। इस पर्वत में कई तरह के केमिकल, सोडियम, गंधक, सल्फर हैं। इस कारण जल गर्म हो जाता है। साथ ही इस जल में स्नान करने से कई तरह के रोगों का निवारण होता है। यहाँ पर 22 कुंडों में स्नान किया जा सकता है। इन कुंडों में ब्रह्मकुंड सबसे महत्वपूर्ण है। इसका तापमान 45 डिग्री सेल्सियस होता है। इसे पाताल गंगा के नाम से भी संबोधित किया जाता है। यहाँ पर बहने वाली सप्तधाराएँ ऋषि मुनियों के नामों पर हैं। 22 कुंडों में ब्रह्मकुंड के अलावा मारकंडे कुंड, व्यास कुंड, अनंत ऋषि कुंड, गंगा यमुना कुंड, साक्षी धारा कुंड, सूर्य कुंड, गौरी कुंड, चंद्रमा कुंड, राम लक्ष्मण कुंड प्रमुख हैं। राम लक्ष्मण कुंड में एक तरफ ठंडी व दूसरी तरफ से गर्म पानी प्रवाहित होता है। सल्फर युक्त है अत्रि जलकुंड। ओडिशा में भुवनेश्वर से 43 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अत्रि जलकुंड सल्फर युक्त गर्म पानी के चलते प्रसिद्ध है। इस कुंड के पानी का तापमान 55 डिग्री रहता है। कुंड में स्नान करने से शरीर तंदुरुस्त हो जाता है। लोग इस कुंड में स्नान करने के बाद इस क्षेत्र में हाटकेश्वर मंदिर के दर्शन करने जरूर जाते हैं। बकरेश्वर के 10 जल कुंड हैं विशेष। पश्चिम बंगाल में बकरेश्वर पावन तीर्थ स्थलों में से एक है। यहाँ पर गर्म पानी के 10 कुंड भक्तों व पर्यटकों को अपनी तरफ सहज ही सम्मोहित कर लेते हैं। इन जल कुंडों में अग्नि कुंड सबसे अधिक गर्म है। इसका पानी 67 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। इसके अलावा भैरव कुंड का 65, खीर कुंड का 66, नरसिंह कुंड का 66, सूर्य कुंड का 66, सौभाग्य कुंड का 45, पापहरा कुंड का पानी 48 डिग्री सेल्सियस है। इन कुंडों में स्नान से कई तरह के रोग दूर होते हैं। तुलसी श्याम कुंड, सभी में तापमान अलग। जूनागढ़ से करीब 65 किलोमीटर की दूरी पर स्थित तुलसी श्याम कुंड का अपना ही विशेष महत्व है। यहाँ पर गर्म पानी के 3 कुंड हैं। सबसे खास बात यह है कि तीनों जल कुंडों में पानी का तापमान अलग अलग रहता है। तुलसी श्याम कुंड के पास 700 साल प्राचीन रुक्मणी देवी का मंदिर भी है। गुजरात में टुंबा टिंबा में भी कई गर्म पानी के कुंड स्थित हैं।
60 गर्म पानी के कुंडों का राज्य झारखंड। गर्म पानी के स्रोतों के मामले में झारखंड भारत में सबसे आगे है। यहाँ पर 60 गर्म पानी के कुंड हैं। 15,500 फीट ऊंचाई पर युमेसम डोंग कुंड। युमेसम डोंग सिक्किम के सबसे प्रसिद्ध स्थानों में से एक है। यहाँ पर स्थित जल कुंड 15,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यह पानी सल्फर से युक्त है। इसका तापमान लगभग 50 डिग्री सेल्सियस रहता है। इनमें सबसे प्रसिद्ध बोरोंग और रलोंग जलकुंड हैं। यहाँ साल भर पर्यटकों का तांता लगा रहता है। पनामिक जलकुंड का पानी बेहद गर्म। नुब्रा वैली का मतलब है फूलों की घाटी। यह वैली सियाचिन ग्लेशियर से 9 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह स्थान गर्म पानी के कुंड के लिए जाना जाता है। यहाँ का पानी बहुत अधिक गर्म होता है। पानी में हमेशा ही बुलबुले निकलते दिखाई देते हैं। पानी इतना गर्म होता है कि इसे छूना भी नामुमकिन है। सो दोस्तों, यह थी गर्म पानी के कुंडों से जुड़ी जानकारी। ऐसी जानकारी लेकर फिर हाजिर होंगे। जुड़े रहिए D5 चैनल हिंदी के साथ।